सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंटली जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठप पड़ा हुआ है, सभी आप जानते हैं। तो स्टडीज़ जो है, स्टडी का मोड टोटली चेंज हो चुका है, जो कि ऑनलाइन मोड हो चुका है, जहाँ पर फिजिकल जो हम क्लासरूम्स में जाया करते थे, जो कॉलेज में हम जाया करते थे लेक्चर्स के लिए पढ़ने के लिए, सो वो फुल्ली जो है अभी यहाँ पर बंद हो चुका है। और फुल्ली जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जो कि पहले डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। यानी कि आप समझ सकते हो, पहले जो है ज़्यादा जो वेटेज है वो फिजिकली अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो उसे प्रेफर किया जाता था, उसको वेटेज दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली ऑनलाइन मोड के लिए भी अभी जो है यहाँ पर टोटली मैं मतलब कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है फुल रिकग्नाइज कर रहा है, गवर्नमेंट भी उसे फुल सपोर्ट कर रहा है। यानी कि वहाँ पर कोई वेटेज एज सच नहीं डिफरेंस होने वाला है। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन मोड से स्टडी करते हो तभी भी वो उतना ही वैल्यू क्रिएट करने वाला है जितना कि आप जो है फिजिकल क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करते थे, फुल टाइम आप जो कॉलेज में जाकर जो है आप जो एजुकेशन आपका परस्यू करते थे। राइट गाइज, सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी वो फेक यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको जो है एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। सो इस दौरान क्या होता है, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से जो है मार्केटिंग टीम से कॉल आने लगते हैं। राइट, सो आपने ज़रूर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तभी ही आप जो है इस वीडियो तक पहुँचे। सो गाइस देखो, आपको कॉल आने चालू हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, आप कुछ सर्च करते हो कॉलेजेस के बारे में और वहां पर आप जो है अपना ईमेल आईडी या फिर जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसको आप वहां पर फिल कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी मार्केटिंग टीम जो है आपसे कॉन्टैक्ट करती है और वो जो है वहां पर एडमिशन्स को जो है सेल करते हैं। यानी कि आप जो है वहां पर एडमिशन्स लेते हो उसी की वजह से। सो उसमें से कुछ जो है वहां पर लेजिट होते हैं और कुछ जो है फेक होते हैं। सो अगर हम फेक का रेशियो देखें तो 30% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो फेक है ओवरऑल इंडिया में, 70% जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो लेजिट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फुल प्रूफ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है गाइज। सो आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, और क्या आपके लिए बेटर होगा, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर PDF में, जहाँ पर आपको फुल्ली दिख जाएगा, जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्रोफेसर रजनीश जैन सेक्रेटरी है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप देख सकते हो, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ से जो है लिस्ट जारी किया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, पब्लिक नोटिस ऑन फेक यूनिवर्सिटीज़। सो यहाँ पर फेक यूनिवर्सिटीज़ की आपको जो है लिस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो ये कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ पर जाके आपको देखना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप एंड तक देखते रहिए, सब कुछ आपको एंड तक मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं लिस्टिंग आपको करवा कर देता हूं। देखो, अक्टूबर 2020 को ये जो है रिलीज किया गया है गाइस, 7 अक्टूबर 2020। सो सबसे ज़्यादा एडमिशन्स जो है ऑनलाइन हो रहे थे ये टाइम पीरियड के दौरान, जब भी जो कोरोना पीरियड चल रहा था। हालांकि अभी भी वो उसी का इम्पैक्ट इतना है कि सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी जो है स्कूल कॉलेजेस रीओपन नहीं हुए हैं, और जैसे आपको पता है वैक्सीन निकला भी है अभी। वेट, आप खुद भी जानते हो कि कोरोना को अभी कोई महत्व भी नहीं देता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खाली फुकट का अभी जो है डर बसा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप प्रिकॉशन मत लीजिए, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो सामने सामने आ चुका है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें स्कैम भी हुई है, जो लोग नहीं भी मरे हैं उनको भी कोरोना से बताया गया है, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हुई है, आपको भी पता है, ठीक है। सो कोरोना से डर के कोई मतलब नहीं है, बस अपना इम्यूनिटी जो है वो फिट रखो आप लोग, ठीक है। सो एज सच कोई बीमारी नहीं है, वो जो है आपकी खांसी सर्दी है, उसमें छाती आपका जो है, जो आपका चेस्ट होता है वो जकड़ जाता है, उसमें आप इनहेल एक्सहेल या ब्रीथ नहीं कर पाते, बस वही सारी चीज़ें, और कुछ नहीं। तो वो हमारा टॉपिक नहीं, उसको छोड़ देते हैं। सो देखो, अभी फिलहाल यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो दिल्ली में टोटल 7 यूनिवर्सिटीज़ जो है इन्होंने यहाँ पर इसको जो बताया है फेक बताया हुआ है। तो मैं एक एक करके आपको पढ़ के सारे बताने वाला हूँ। कमर्शियल यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, ADR यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोई भी ये सुनेगा तो पहले ही इस पर जो है ये एडमिशन ले लेगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखा नाम भी एकदम तगड़ा रखा हुआ है, ठीक है।
विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। सो आध्यात्मिक तो बहुत फेमस भी हुआ था रिसेंटली, अगर आपको पता होगा तो, आध्यात्मिक विद्यालय जो है ये वाला, क्योंकि ये मतलब न्यूज़ में भी आ चुका है ये सब फेक यूनिवर्सिटीज़ का। यहाँ पर कर्नाटका में एक कॉलेज है, यहाँ पर केरला में भी जो है, महाराष्ट्र में है राजा अरबिक यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। तो ये कुछ है, गिने चुने टोटल 7-8 जो है यहाँ पर स्टेट्स आप देख पा रहे हो मेंशन किए हैं, टोटल 10 स्टेट्स है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी मतलब 9 है या 10 है आप काउंट कर लीजिएगा बाद में। सो ओडिशा में भी 2 यूनिवर्सिटी है, पुडुचेरी में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। सो आप लिस्ट देख सकते हो, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप ये देख सकते हो सारी चीज़ें। मैं आपको इसका जो है लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा, बता दूंगा आपको, ठीक है। सो देखो गाइस, आपके लिए रिकमेंडेशन है, मुझे पता है आप भी जो है यहाँ पर स्टूडेंट हो और आप भी इन ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। हालांकि यूजीसी जो ग्रैंड कमीशन होता है, जो आपको पता है कि जो यूजीसी ग्रैंड कमीशन का हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में वो थप्पा होना चाहिए, तभी वो आपका लेजिट होता है यहाँ पे, क्योंकि रिकग्नाइज भाई अगर यूजीसी नहीं है आपका तो वो जो है ऑब्वियसली फेक है यहाँ पर। और जो राइट नाउ अगर आप ऑनलाइन मोड प्रेफर कर रहे हो तो यूजीसी डेब होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। यूजीसी डेब के ज़रिए वो जो है यहाँ पर रिकग्नाइज होने चाहिए ऑनलाइन मोड के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो। सो गाइस, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो लेजिट भी है, और मैं आपको जो है उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा जो यूनिवर्सिटी है बेस्ट है और कौन सा जो रीजनेबल है और आप उनको जो है प्रेफर कर सकते हो, उसका भी मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगा। सो आपको बस सब्सक्राइब कर लेना और कुछ नहीं करना, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक करने से झिझकाना मत, प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। सो अभी बात रही आपको ये डाउनलोड करना कहाँ से है, सो मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर। सो आप वेबसाइट पर देख पाओगे कि कैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। सो देखो भाई, यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचोगे www.ugc.ac.in जो है आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको लिस्टिंग में दिख जाएगी यहाँ पर फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो कि अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है या फेक यूनिवर्सिटीज़ है। सो उसकी लिस्टिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी फेक लिस्टिंग्स जो आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पर लिस्टिंग सारे जो है यहाँ पर सबमिट किए गए। स्टेट वाइज भी आप देखना चाहो तो स्टेट वाइज भी आप देख सकते हो, वही सारी लिस्टिंग है जो मैंने PDF में आपको बताया, बिल्कुल वही। सो टोटल यहां पर 24 यूनिवर्सिटीज ऐसी पाई गई है जो कि फेक है। आई होप कुछ लोग बच जाएंगे अगर इनमें से किसी में भी आपको जो है यहां पर कॉल वगैरह आया होगा तो। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल जो है दिल्ली का है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश है। सो गाइस, एक रिकमेंडेशन है, हो सके तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी हो, चाहे वो UGC अप्रूव भी क्यों ना हो, आप एडमिशन्स मत लीजिए। अगर आपको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में या एफिलिएटेड टू जो है यहाँ पे आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज से जो भी एफिलिएटेड हैं उनमें आप लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप यूनिवर्सिटीज़ को जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन लीजिए ही मत, आप बिल्कुल एडमिशन लीजिए, लेकिन फुली जो है उसके बारे में रिसर्च करिए, एक दो दिन का टाइम दीजिए अपने आपको, ठीक से रिसर्च करिए, सब कुछ समझिए कौन से कोर्स अवेलेबल है, कितना वैल्यू एडेड है, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो तो उसकी प्लेसमेंट कितनी है, क्या है, सब कुछ जो है छानबीन करें, प्रॉपरली रिसर्च करें। क्योंकि फिलहाल जो है ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैंने खुद ने भी जो है यहाँ पर कुछ कॉल जो है रिसीव किए हुए हैं ऐसे यूनिवर्सिटी से जो कि आपको ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर मीठा मीठा बोलकर एडमिशन लेने के लिए जो है फोर्स करते हैं, इमोशनली फोर्स करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है गाइज। सो ऐसे कॉल्स आपको आते रहेंगे, ठीक है, और ये साल तो आने ही वाले, सभी को आने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं उन्हें डेटा कैसे मिल जाता है, शायद हम ही कहाँ पर जाकर जो है ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं या जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो फिलअप कर देते हैं, और बहुत सारे जो थर्ड पार्टी सोर्सेस हैं उन्हें वहाँ से मिल जाते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना, अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर बताना, और एक बात और आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए अच्छी होने वाली है। सो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको वो वीडियो कब तक चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए। सो ठीक है, अगर कॉमेंट में रिक्वेस्ट अच्छा कुछ आया तो फिर मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।